सो हे गाइस, मैं हूं विकी और आप देख रहे हैं विक प्रो गेमिंग। तो माइनक्राफ्ट की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर जो पबजी की गन्स है वो ला सकते हो और अपने दोस्तों के साथ मल्टीप्लेयर खेल सकते हो। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना और स्टेप टू स्टेप फॉलो करना। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों में शेयर कर दो। बाकी तो आप लोगों को पता है कि वन के होने वाले हैं, लेकिन यार आप लोग काफी सेल्फिश हो, बस वीडियो देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और चले जाते हो। तो यार ऐसा क्यों करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे अपन दोनों का ही फायदा है। क्योंकि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिलेगा और मेरे को मोटिवेशन भी मिलेगा, और मैं वीडियो लाऊंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा वीडियो का, और आप लोगों का जो माइनक्राफ्ट खेलने का जो एक्सपीरियंस है वो और भी अच्छा होता रहेगा। तो जल्दी जल्दी यार चैनल को सब्सक्राइब करो और 1K तक पहुंचा दो। चलिए अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं रिव्यू भी दे देता हूं कि आप लोगों को इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों को जो चेन ग्रेनेड है वो भी मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को जो M28A1 है ये भी मिलेगी बैरल वाली, और यहाँ पे आप लोगों को AKM भी मिल गई है, यहाँ पे MK18 भी मिल रही है, AWP भी मिल रही है, यहाँ पे बेनली भी मिल रही है, और यहाँ पे ये देखिए M249 जो गन है वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को जो इन गन्स की जो एमओ है वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे ये देखिए AKM की मैगजीन रखी हुई है, यहाँ पे MK18 की मैगजीन है, और ये वाली M249 की मैगजीन है, ये मिनी गन की मैगजीन है, यहाँ पे देखिए जो बेनली है इसकी एमओ है, और यहाँ पे ये देखिए P90 की मैगजीन है। तो यार ये जितनी भी गन्स आप लोगों को अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में मिल जाएंगी जैसे ही आप लोग जो मोड है इसको इंस्टॉल करोगे। तो चलिए अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप लोग कैसे अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर ये वाला जो मोड है इसको डाउनलोड करोगे। बाकी आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो मोड है आप लोगों की जो सर्वाइवल वर्ल्ड है उसके अंदर भी ऐसे ही काम करेगा जैसे कि ये क्रिएटिव में काम कर रहा है। तो इसे डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक दी हुई है, वहाँ पे आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे मैंने इसकी जो डाउनलोड लिंक है वो डाल रखी है, आप लोग सीधा वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है ZArchiver, तो आप लोग सिंपली उसे भी इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन के अंदर। आगे का जो प्रोसेस है मैं आप लोगों को ZArchiver पर ही समझा देता हूँ। तो जैसे ही आप लोग ZArchiver जो ऐप है उसे ओपन कर लो तो आप लोगों को क्या करना है, जो डाउनलोड वाला फोल्डर है उसके अंदर आ जाना है, उसके अंदर नीचे की साइड आना है। नीचे के साइड आके आपको एक्चुअल गन्स 3D नाम से एक फाइल मिलेगी, आप लोगों को सिंपली इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप लोगों की जो वो फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाए तो आप लोगों को क्या करना है, ऊपर की साइड आ जाना है। ऊपर की साइड आके आपको एक्चुअल गन्स BP और एक्चुअल गन्स RP नाम से फोल्डर दिखेंगे, तो आप लोगों को क्या करना है, जो BP वाला फोल्डर है इसे यहाँ से कट कर लेना है। यहाँ से आप लोगों को डिवाइस मेमोरी में जाना है, जो गेम्स वाला फोल्डर है उसके अंदर जाना है, इसके अंदर com.mojang में जाना है, और जो बिहेवियर पैक वाला जो फोल्डर है इसके अंदर आके उसको पेस्ट कर देना है। मैंने पहले से पेस्ट कर रखा है तो ये मेरे को रिप्लेस के लिए बोल रहा है, मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ। दोबारा से आप लोगों को डाउनलोड वाला फोल्डर में जाना है, वहाँ पे जो RP वाला जो फोल्डर है इसको यहाँ से कट कर लेना है। इसको कट करके आप लोगों को क्या करना है, डिवाइस मेमोरी में जाना है, यहाँ से आप लोगों को जो गेम्स वाला फोल्डर है उसके अंदर जाना है, com.mojang में जाना है, और जो रिसोर्स पैक वाला जो फोल्डर है इसके अंदर आके उसको पेस्ट कर देना है। मैंने पहले से ये जो फाइल है यहाँ पे पेस्ट कर रखी है तो मेरे को रिप्लेस के लिए बोल रहा है, मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको। जैसे ही आप लोग ये दोनों फाइल यहाँ पे पेस्ट कर दोगे तो आप लोगों को क्या करना है, सब कुछ बंद कर देना है, और उसके बाद में जो आपका माइनक्राफ्ट है उसको दोबारा से रिस्टार्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप लोगों का जो माइनक्राफ्ट है वो ओपन हो जाए तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली यहाँ प्ले के ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ से क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से क्रिएट न्यू वर्ल्ड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जो गेम मोड है मैं इसको पहले क्रिएटिव के अंदर सेट कर देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को चीज़ें दिखा सकूँ। यहाँ से नीचे की साइड आके आप लोगों को क्या करना है, जो एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले वाला है इसको ऑन कर देना है। अब आप लोगों को क्या करना है कि इधर लेफ्ट साइड के अंदर नीचे की साइड आके जो रिसोर्स पैक वाला है इसके अंदर आ जाना है, यहाँ से माई पैक्स के अंदर जाना है, जो एक्चुअल गन 3D वाला है इसे यहाँ से एक्टिवेट कर देना है। तो जैसे ही आप लोग इसे यहाँ से एक्टिवेट कर दोगे तो जो बिहेवियर पैक वाला है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। आप लोगों को अब क्या करना है, यहाँ से मैं जल्दी से एक शीट डाल देता हूँ पहले, तो ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि कैसे ये जो गन है वो वर्क करेंगी। तो यहाँ से मैं ये जो कोस्टल विलेज है ये डाल देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से सिंपली क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो मेरा वर्ल्ड है वो क्रिएट होना चालू हो गया है, थोड़ा टाइम ले सकता है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले है। तो जैसे ही आप लोगों का जो वर्ल्ड है वो क्रिएट हो जाए तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ अब जल्दी से जो गन्स वगैरह वो ले लेता हूँ यहाँ से एक दो। तो यहाँ से मैं आर्मर वाला जो सेक्शन है उसके अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे मैं एक तो AKM ले लेता हूँ, और एक मैं ये P90 ले लेता हूँ, मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई थी, और एक जो मिनी गन है ये ले लेता हूँ, और इनकी जो एमओ है वो भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ फिर जल्दी से। तो ये P90 की एमओ है और ये AKM की एमओ है, यहाँ से मैं AKM की एमओ ले लेता हूँ, और जो एक ग्रेनेड है वो भी मैं ले लेता हूँ, आप लोगों को दिखा दूंगा बाद में कैसे वर्क करेगा। तो ये गन लेने के बाद में आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि अब जल्दी से कि ये सर्वाइवल में कैसे काम करेगा। तो मैं जो गेम मोड है इसको जल्दी से सर्वाइवल कर देता हूँ। तो ये देखिए गाइस, जो गेम मोड था मैंने उसको सर्वाइवल के ऊपर सेट कर दिया है। अब आप लोगों को मैं जो गन है वो चला के दिखा देता हूँ कि जो गन है कैसे काम करेंगी। तो आप लोगों देखिए यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए यहाँ पे जो ये विलेजर था ये मारा गया है यहाँ पे,
और ये देखिए मैं दूसरे विलेजर को मार दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए जैसे मैं उसके ऊपर फायर कर रहा हूँ, ये अभी मेरी एमओ जो है खत्म हो गई है। चलिए मैं आप लोगों को जो P90 है वो भी चला के दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरी AKM जो है वो तो अभी आउट ऑफ एमओ हो चुकी है। तो देखिए मैं P90 आप लोगों को चला के दिखा देता हूँ कि P90 कैसे काम करेगी। देखिए एक दो गोली में जो विलेजर है वो ढेर हो चुका है यहाँ पे। और ये देखिए ये जो P90 है ये भी मेरी आउट ऑफ एमओ हो चुकी है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग इसे रीलोड कैसे करोगे। तो आप लोगों को जो एमओ है इसकी उसके ऊपर जाना है और यहाँ पे होल्ड करके रखना है आप लोगों को इस तरीके से। तो ये देखिए जो गन है वो ऑटोमेटिकली रीलोड हो चुकी है। ये देखिए जो गन है वो रीलोड हो चुकी है और आप लोग दोबारा से इसको यूज कर सकते हो। तो ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे जो ग्रेनेड डाला था वो ग्रेनेड के बाद में देखिए जो पूरा इलाका है वो भी तबाह हो चुका है। तो यार अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किया ना कहीं मत जाना, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना और लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह की मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।